हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जून 2022 BPSCT 133 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज करेंगे। आंसर यानी 5 पार्ट्स, तो 5 × 3 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है, राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू एट द पॉइंट इन साइड इट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑब्टेन इट्स डाइवर्जेंस। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग चार्ज क्यू एट ए पॉइंट लोकेटेड इनसाइड द स्फेयर इज ई इक्वल्स टू क्यू बाय 4 pi epsilon 0 आर बाय आर क्यू आर कैप। यहाँ पर आर स्मॉल आर जो है वो लेस देन है कैपिटल आर से, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका डाइवर्जेंस। तो डेल इंटू ई करना है, तो इसके लिए ई इंटू डी एस करना है। ई डी एस दिस इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 क्यू बाय आर क्यू स्मॉल आर है क्यू बाय आर क्यू आर डी एस, दोनों के साथ डी एस मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 pi epsilon 0 आर डी एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 pi epsilon 0 डी साई, साई मान लेते हैं इसे, इस एंगल को, और फाई ऑफ ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय 4 pi epsilon 0 क्लोज इंटीग्रल डी साई। तो यार यहाँ पर डी साई इक्वल्स टू है 4 pi, दैट इम्प्लाई ई डी एस क्लोज इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू है ट्रिपल इंटीग्रल V रो इंटू डी वी, एंड यहाँ पर ये जो है इक्वल्स टू है V डेल E डी वी। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको ट्रिपल इंटीग्रल V डेल E डी वी इक्वल्स टू 1 by epsilon 0 क्यू के जगह पर ट्रिपल इंटीग्रल V रो डी वी, दैट इम्प्लाई से यहाँ से हम रो कर लिख सकते हैं। तो डेल इंटू ई डेल ई इक्वल्स टू इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन जीरो, ये है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B, स्टेट स्टॉक्स थ्योरियम, यूज इट टू ऑब्टेन मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इक्वेशन इन इट्स डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है ना, तो इसके डिफरेंशियल जो फॉर्म है उस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो मैक्सवेल इक्वेशन तो ये पार्ट नहीं हुआ, स्टॉक्स थ्योरियम देख लीजिए।
स्टॉक्स थ्योरियम स्टेट्स दैट द इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर द एनक्लोज्ड पाथ ओवर द क्लोज्ड पाथ सी बाउंडिंग्स। तो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ए डी एल इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस ए डी एस। वन बी पार्ट वन हुआ है, पार्ट टू अभी नहीं हुआ है। अगर इसका आंसर मिल जाए तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर वन सी, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, ड्रॉ ए प्रॉपरली लेवल डायग्राम। तो यहाँ पर पहले डायग्राम लेवल, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इधर है माइनस क्यू, इधर है प्लस क्यू, मिडिल में सी है, ये जो डिस्टेंस है ये डी है, ये डिस्टेंस डी है और ये आर कैप है। और उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पहले ही मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट सी ऑफ द डाइपोल एक्सिस इज एट इक्वल डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच चार्ज फ्रॉम ई इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ चार्ज एट द मिड पॉइंट रेस्पेक्टिवली क्या आ जाएगा, ई माइनस क्यू इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर, डी है इसका डिस्टेंस, तो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय डी स्क्वायर एंड ई प्लस क्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाय डी स्क्वायर, सेम आ जाएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो q by d square। तो the direction of the electric field at the point C due to both charges are opposite to R. The unit vector along the line
ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट सी ड्यू टू द टू चार्जेस इज ई इक्वल्स टू ई प्लस क्यू एन प्लस ई माइनस क्यू. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 pi epsilon 0 टू क्यू बाय डी स्क्वायर इंटू आर कैप. ठीक है ना, और बोथ चार्ज आर ऑपोजिट तो यहाँ पर एक माइनस आएगा. उसके बाद यहाँ पर करना है 1 का d. इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट ए गिवन पॉइंट मस्ट द डाइलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑल्सो बी जीरो. जस्टिफाई योर आंसर. तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो तो भी हो जाएगा, है ना. तो इसका एक एग्जाम्पल देंगे हम 1 का d. तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट इज V इक्वल्स टू रो कॉस थीटा बाय 4 pi epsilon 0 आर स्क्वेर एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज जीरो फॉर ऑल पॉइंट्स जहां पर कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो आ जाए. पॉइंट्स मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू होना चाहिए, परपेंडिकुलर अगर हो जाए, है ना. ऑल पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द परपेंडिकुलर bisector of dipole axis. तो जीरो आ जाएगा. बट क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल at any point on its perpendicular bisector is antiparallel to P. thus यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/4 pi epsilon 0 और पी बाय आर क्यूब. ठीक है ना. देयरफोर हेंस इफ द इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is zero
एट ए गिवन पॉइंट देन इट देन इट्स देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मे नॉट टू बी जीरो, जीरो नहीं भी हो सकता है, जीरो नहीं होगा, है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1E, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स ईच हैविंग एरिया 6.0 × 10⁻² मीटर स्क्वायर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3.0 फिल्स अप द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। व्हाट इज द चार्ज स्टोर ऑन ईच ऑफ इट्स प्लेट्स इफ ए वोल्टेज ऑफ 10V इज अप्लाइड अक्रॉस देम। तो यहाँ पर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दिया हुआ क्या है, एरिया हैविंग रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैविंग एरिया एंड डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है हमें, हमें कैपेसिटेंस निकालना है एंड उसके बाद जो है वोल्टेज 10V दिया हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है द चार्ज स्टोर्ड द प्लेट। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1E, यहाँ पर क्या दिया हुआ, पहले हमें क्या निकालना होगा, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो द कैपेसिटेंस सी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with a dielectric material of dielectric constant K given by, क्या आ जाएगा यहाँ पर, C equals to K into epsilon 0 A by D, here K इक्वल्स टू 3, एप्सिलॉन 0 इसका वैल्यू तो हमें पता है 8.85 × 10⁻¹2, A इक्वल्स टू दिया हुआ है एरिया 6.0 × 10⁻², एंड D दिया हुआ है डिस्टेंस 1.0 × 10⁻³ मीटर। देखिए यहाँ पर मिलीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पर इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया × 10⁻³ करके, तो C इक्वल्स टू आ जाएगा 3.0 × 8.85 × 10⁻²× 6.0 × 10⁻²−2, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻², एंड डिवाइडेड बाय 1.0 × 10⁻³। दिस इज इक्वल्स टू 159.3 × 10⁻¹১ फेराडे, ठीक है ना। उसके बाद द वोल्टेज अप्लाइड इज 10 वोल्ट, देयरफॉर चार्ज फोर्स्ड, चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट इक्वल्स टू ई इंटू वी, तो वन सॉरी सी इंटू वी, ये सी है ही नहीं, 159.3 × 10⁻¹⁰ × 10, इतना क्या कूलम्ब। दिस इज इक्वल्स टू 15.9 × 93 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना, ये है 10। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1E हो गया। क्वेश्चन नंबर F, द टॉरॉइड विथ
2000 tons. This is equals to an each wood on an iron ring having area cross section 400 millimeter square and the mean circumference 1.0 meter. Calculate the magnitude of the magnetic intensity H and the magnetic field B when the current through the toroid is 0.25 ampere and the relative permeability of the iron ring is 1500. ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है. तो H इक्वल्स टू एन इन टू वाई, हेयर क्वेश्चन नंबर 1F, हेयर H इक्वल्स टू एन इन टू वाई, दिस इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 0.25. This is equals to 500 A m inverse. And यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है B निकालना है. ये H निकल गया हमारा, B equals to 4 pi km H divided by 10 to the power 7. तो km यहाँ पर primitive permeability दिया हुआ है यहाँ पर 1500. तो देखिए 4 इंटू 3.14 इंटू के एम, तो 1500 है ना, 1500 एंड इंटू 500 डिवाइडेड बाय 10 पावर 7. तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 4 इंटू 3.15 इंटू 1500 इंटू 500, दिस इज इक्वल्स टू 9.42 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7, दिस इज इक्वल्स टू 0.942. ये आ जाएगा टी टेस्ला, आ गया बी. ठीक है ना, ये है आंसर 1F. उसके बाद करेंगे 1G, अप्लाई लेंस लॉ टू डिटरमाइन द direction of the current induced in a loop kept in a magnetic field when its area is decreased. M used, तो ये एक question है, M used that the loop is lying in the plane of this page perpendicular to the magnetic field which is directed into the page. तो इसका answer करेंगे, first question का आंसर करेंगे. अगर यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इंड्यूस्ड इन ए लूप केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट्स एरिया इज डिक्रीज, उसका एरिया डिक्रीज हो रहा है. एंड उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, दैट द लूप लाइंग द प्लेन दैट पेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज डायरेक्टेड इन टू दिस पेज. ठीक है ना, तो उसके बाद यहाँ पर करेंगे 1 question G, सॉल्व करेंगे इसको. तो क्या आ जाएगा, सिंस द एरिया ऑफ द लूप डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स ऑल्सो डिक्रीज the direction of induced current is such as to oppose this direction, that is the magnetic field मैग्नेटिक फील्ड FIELD फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट
इन द लूप, शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड. और उसके बाद और एक करेंगे, उसके बाद इट इज, तो हमें क्या उसके बाद एज्यूम दैट जो यहाँ पर दिया था, विच इज डायरेक्टेड इन टू द पेज, तो एज्यूम दैट यहाँ पर इस पार्ट का यहाँ पर आंसर करेंगे. तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट द एग्जिस्टिंग, देखिए क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना, हम थोड़ा सा पार्ट पार्ट कर रहे हैं ताकि हमें आसानी हो इसको समझने में. इट इज गिवन दैट द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेज एंड परपेंडिकुलर टू इट, सो द इंड्यूस्ड करंट शुड फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द लूप टू गिव राइज टू द मैग्नेटिक TIC मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज एज वी व्यू इट फ्रॉम टॉप, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1H, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन ए वैक्यूम इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वेव, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 10 mhz, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस आ जाएगा, है ना, ओमेगा टी सॉरी यहाँ पर के एक्स एंड माइनस ओमेगा टी करेंगे कॉस ऑफ, ठीक है ना. और उसके बाद इट्स फ्रीक्वेंसी इज 10 mhz एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 Vm इनवर्स, राइट द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ ई फील्ड गिवन दैट इट इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1H. लास्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन ऑफ H ऑफ सॉरी E इज E इक्वल्स टू Y E जीरो कॉस KX माइनस ओमेगा टी, हमें यहाँ पर E जीरो तो गिवन है ना, 200 के यहाँ पर हमें निकालना है ना, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई F, यहाँ पर F जो है 10 mhz मेगा हर्ट्स, तो इसको हर्ट्स में करेंगे तो 2 पाई इंटू 10 10 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 10 पावर 7 हर्ट्स, एंड उसके बाद के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई F/C, लैम्डा इक्वल्स टू C/F, तो यहाँ पर F/C आ जाएगा, एंड 2 पाई इंटू F क्या है 10 पावर 7 C,
3 into 10 power 8, and this is equals to 2 pi by 30. 10 power 7 cancel out हो जाएगा, यहाँ पर 10 रह जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये m inverse. Thus, यहाँ पर e equals to क्या आ जाएगा, y cap 200 vm inverse cos 2 pi, cos यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 pi, k की वैल्यू 2 pi by 30, ठीक है ना, 2 pi by 30 x, and minus यहाँ पर 2 pi into 10 to the power 7, ये आ जाएगा थर्ड ब्रैकेट में, ठीक है ना. उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर e इक्वल्स टू y कैप 200 vm इनवर्स cos 2 पाई x by 30, 2 पाई कॉमन ले रहे हैं, माइनस 10 पावर 7 t, ठीक है ना, ओमेगा इनटू t था, तो यहां पर t एक लाना है, हमें t लिखना है, ठीक है ना. तो देखिए ये आ गया आंसर. हमने सभी वन का जो जितने सारे क्वेश्चन थे सभी आंसर क्वेश्चन का आंसर कर लिया है. एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रह गया है, अगर उसका आंसर मिल जाए या फिर आंसर हो जाए तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी. उसके बाद अगले वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू.